अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम ए करें टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं हम आज के अहम 12 खबरनामे की तरफ। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए एम ए करें टीवी न्यूज़ के साथ। अनीता नामी लेडी डॉन ने हवा में दहशत फैला दी है। जोशीवाड़ा की रहने वाली एक खातून को पत्थर से हमला करके जख्मी कर दिया है। इस खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने। महेश भगवत आईपीएस ने प्रेस मीटिंग में बताया कि जॉब के बहाने आवाम से पैसे लूट रही थी एक गैंग। एसओटी टीम ने 4 फेक जॉब दिलाने वालों गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। असदुद्दीन अवैसी साहब और एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब ने कलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में कोविड-19 वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है। HYC के सलमान ने वक्फ़ की दीवार पर पोस्टर लगाया और बताया कारवान की मस्जिद के बारे में। गुसामहल लिमिट्स में हुई बैजमबाजी, चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ASI उतर आए गाली गलौज पर। बोधन में पेश आया ये मामला, LPG सिलेंडर से 4 से 5 kg गैस की चोरी। फेरोज खान का दमदार स्टेटमेंट, वसीम रजवी को मारने पर 5 लाख का अमाउंट और फेरोज खान का फुल सपोर्ट रहेगा। और जो भी इसका मर्डर कर रहा, सेशन कोर्ट ड्रॉ, हाई कोर्ट ड्रॉ, सुप्रीम कोर्ट। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लोकल एरिया में MLC की जानिब से नए कैंडिडेट्स उतर आए। हुसैन सागर में खाजा डॉन के केस में एक और जुर्म, मक्का होटल के ओनर जिनका नाम आजम है, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, इल्जाम आया खाजा डॉन पर। खाजा डॉन के जुल्म का शिकार हुए जाफर कुरैशी। भोलकपुर मशीराबाद में पानी की हुई परेशानी, दफ्तर में कंप्लेंट की गई इस बात की। होम मिनिस्टर का ये अहम बयान, मस्जिद की तामीर होगी।